हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि जब हमने ये जो वैश्विक बीमारी चालू हुआ जो कोरोना COVID-19 को, तो इसके हमारा जो सेंटर ने पहले शुरुआत में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो CCH मान्य जो मेडिसिन है 1000 मेडिसिन देने का हमारा और हमारा सेंटर और हमारे जो सेंटर के जो मैनेजर है जो मेहुल भाई सब ने और मेरे फैमिली मेंबर ने नक्की किया था कि वी आर गिव द 1000 बॉटल्स। पर धीरे 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 करके हमारा टारगेट 25,000 था, अभी हमने 28,000 से 30,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। हमारे साथ कई NGO लोग भी जुड़ान किया है, उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया है, लोगों ने पेन बहुत अच्छी तरह दिया है। हमारी जानकारी में हमने जिन लोगों को जो ये आर्सेनिक काल लिया है फीडबैक लिया है और कई बड़े ग्रुप को भी हमने 5,000-5,000 बॉटल्स को दिया है NGO के साथ, तो इसमें कोई लोग COVID-19 के अफेक्टेड नहीं हुआ है। मतलब ऐसा हुआ कि जो हमने जो दवा दिया था अच्छे भाव से दिया था, अच्छे हमारा हृदय से दिया था, लोगों में ऐसा इम्यून बूस्टर हुआ कि ये लोग ये COVID-19 से कोई अफेक्टेड नहीं हुआ है और आज कोई भी मोर्टालिटी नहीं हुआ है। हमको ये बात आपके साथ शेयर करने का था, इसलिए हमने आपको ये बताया है। सेकंड थिंग, हमारा जो ये डॉक्टर हर्षद रावल MD होम्योपैथ जो चैनल का नाम है, कई बार हमारे व्यूवर्स बोलते हैं कि साहब आप ये क्यों बोलते हैं, आप डॉक्टर तो हो, होम्योपैथ भी हो, MD डॉक्टर हो, पर ये मेरा चैनल का नाम है, इसलिए मैं शुरुआत में ये चैनल का नाम बोलता हूँ। ये मेरा आइडेंटिटी नहीं देता हूँ, ये चैनल का आइडेंटिटी है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट - डॉक्टर हर्षद रावल MD से मैं डॉक्टर हर्षद रावल बोल रहा हूँ। यही कहने का मतलब है कि ये हमारा चैनल का नाम है, तो आपके स्पष्टीकरण से मैंने आपको बताया। और इसके साथ कई हमारे जो सब्सक्राइबर है, किसने कॉल करके हमको वो धन्यवाद दिया है और किसने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, किसने थम्स अप किया है कि डॉक्टर साहब आप ऐसे तरह वीडियो बनाते रहो और हमको एजुकेट करते रहो, और हमारा भी ऐसा है कि आप हमारा वीडियो देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। आपका जो भी कमेंट है और कोई सब्जेक्ट में जानकारी जाना चाहते हैं तो हम शॉर्ट हमारा कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो जब भी हमको लगेगा कि नहीं ये सब्जेक्ट कवर करने का है तो हम आपको डिटेल बताएंगे। मित्रों, आपका भी हम हृदय से धन्यवाद देता है, हमारा सब्सक्राइबर को भी धन्यवाद देते हैं कि हमको यही स्थिति में हमने हमको अब आपको पहुंचाया है। तो आज का जो विषय है, ऐसे तो ये ज्ञान तंतु का विषय है और ये जो बीमारी है लाखों में से एक ही लोग व्यक्ति को होता है, और ये भी जो आप अच्छी तरह मैनेज करते हैं तो ये रोग में भी बाहर आ सकते हैं। इसका नाम है जो बीमारी मायस्थेनिया ग्रेविस। ये जो मायस्थेनिया ग्रेविस है ये 1 लाख में से 1 से 2% लोगों को ही होता है और एक ज्ञान तंतु और मांसपेशी का रोग है। तो ये मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है, इसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, आधुनिक साइंस उसको कैसे तरह डायग्नोसिस करते हैं और इसमें क्या मैनेजमेंट है, कौन सा फूड खाना चाहिए और कौन सा होम्योपैथिक की मेडिसिन है, इसके बारे में हम बताएंगे। मिस्त्रो, मायस्थेनिया ग्रेविस का जो मायस्थेनिया मीन्स वीक पड़ना, ग्रेविस मीन्स ग्रे जी, ग्रेविस मीन्स आगे जो जी है मीन्स लबड़ जाना, तो हमारा मांसपेशी वीक हो जाता है, लबड़ जाता है, इनकंट्रोल हो जाता है, जिन रोगों को मायस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। फिर से मैं आपको एनाटॉमिकली समझाता हूँ, शारीरिक विज्ञान के जो हमारे ज्ञान तंतु होते हैं इसके अटैचमेंट हमारे मांसपेशी के साथ होता है। जब ब्रेन में से आदेश आता है तैसे तरह हमारा आवाज़ निकलता है, आंखें बंद होती है, सांस चलता है, हाथ का मूवमेंट्स होता है, सब हमारा जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स है ये कंट्रोल करता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ज्ञान तंतु और मसल मास के बीच में एक छोटा, जब आँख से हम नहीं देख सकते, छोटा एक गैप होता है, ये गैप को साइनप्स बोलते हैं, और साइनप्स में जो हमारे न्यूरो हॉर्मोन्स होता है जिसको एसिटाकोलाइंस बोलते हैं, इसमें कोई बदलाव आ जाता है, कहीं रुकावट आ जाता है, कोई कमी आ जाता है कोई कारण से, तो इसके जरिए जो रोग होता है इसको मायस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। ये मायस्थेनिया ग्रेविस बहुत कम लोगों को होता है
और कई बार माइलेस्टेनिया ग्रेविस का हम बताएंगे कौन सा सिम्टम्स है, जो प्राइमरी सिम्टम्स है, और आधुनिक साइंस में इसकी कोई दवा नहीं है, ये लोग नंबर ऑफ स्टीरोइड देते हैं, विटामिन देते हैं, पर धीरे धीरे प्रोग्नोसिस पेशेंट्स होता है, तो धीरे 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 ये दवा लेने के बाद पेशेंट क्योर नहीं होता है, तो पेशेंट मेंटली एंड फिजिकली वीक पड़ जाता है, कई बार स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और उसको डिप्रेशन भी आ जाता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस का सबसे पहला जो कॉज है ये हमारा इम्यूनिटी है, हमारा जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हमारा लो इम्यूनिटी के कारण हमारा जो शरीर का फोर्स है कम हो जाता है, और उसको जो जो डिजीज़ है ये हमारे पर हावी हो जाता है, तो कई बार जो हमारा जो सेल जो होता है ये हमारा शरीर का सेल को खा जाता है, तो ये खाने के बदले क्या होता है, तो हमारा जो शरीर है धीरे धीरे वीक पड़ जाता है। जैसे गुजराती में कहवत है कि घर का बेदी लंका भाई, मीन्स लंका डाय, एटले खुद आपका फैमिली का कोई मेंबर है कि आपको फैमिली को डिस्टर्ब करे, ऐसे तरह जो ये जो डिजीज़ है ये हमारा जो सेल की मांसपेशी खुद खा जाता है, और इसके जरिए ये रोग एक तो पहले उत्पन्न होता है। सेकेंड थिंग, कई बार 1-2% में हमारा विटामिन डेफिशिएंसी होता है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, कई बार हार्मोन्स इरेगुलर होता है, तो इसके जरिए भी हमको ये माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस इम्यून वीकनेस का एक कॉज है, तो ये इसका अननोन कॉज है, इसको जो जानना बहुत मुश्किल होता है, पर कई बार हमारा इम्यूनिटी जो बढ़ता है तो 10-15% में ये रोग फिर से रिक्लाइन हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। आधुनिक साइंस में इसकी कोई दवा नहीं है, तो दर्दी को लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड देते हैं, विटामिन देते हैं, पेशेंट को जो इसकी डेफिशिएंसी होता है तो इसमें से बाहर आने की संभावना रहती है, अदरवाइज पेशेंट डे बाय डे डिटोरेशन करता जाता है। इससे सबसे पहले जो उनका सिम्टम्स होता है हमारे आँख पर आता है, तो आँख की जो अपर लेवल की जो लीड्स है ये ड्रॉप्स हो जाता है, कई बार हमारी आँख खुलता ही है पर एक आँख छोटी हो जाती है, एक काट बड़ी हो जाती है और लीड ड्रॉप कर जाता है, तो सबसे पहले ये हमारे आई लीड्स पर और इफ़ेक्ट होता है। और इसमें जो लोग 45 एज बस से बड़े लोग होते हैं उनको, ओल्ड एज के लोगों में ये ज़्यादातर पाया गया है। सेकेंड थिंग, इसका जो जो इफ़ेक्ट है यही एरिया में, सपोज आई लिड लेफ्ट साइड होता है तो लेफ्ट साइड की जो हमारा फेस का जो स्किन है, मसल माल्स है, ये लूज हो जाता है, वीक हो जाता है, एक मसल बाल टाइट रहता है, दूसरा लूज हो जाता है, जैसे ग्रेविस बोलते हैं, ग्रेविस मीन्स लो ग्रेविटी, ग्रेविटी जो हमारा होता है इसी तरह पुल ऑन हो जाता है। दर्दी को स्पीच में डिफ़िकल्टी होता है, खाने में डिफ़िकल्टी होता है, दर्दी मूवमेंट स्लो करता है, कई बार दर्दी को एंग्जाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, दर्दी हलन चलन स्लो करता है, लिखने में भी प्रॉब्लम्स होता है, दर्दी लिखने का तो चाहता है पर ही कैनॉट प्रॉपरली वर्कआउट, लिख नहीं पाता है, कई बार उनका जो सिग्नेचर होता है प्रॉपर नहीं कर पाता है। ये प्राइमरी फेस में जो माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट में पाया गया है। कई बार दर्दी को खाने में भी स्लो मूविंग होता है, उठना बैठना हाथ का मूवमेंट्स होता है ये भी स्लो हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है, फेस में पफिनेस लगता है, फेस का एक पार्ट उसको वीक पड़ गया और नम गया हो ऐसा लगता है। कई बार तो हम दर्दी को बोलता है कि आप मुंह में हवा भरिए, ऐसे भरने से एक गाल उसको स्लो हो जाता है, एक गाल बड़ा हो जाता है, जैसे हम पैरालिसिस में दर्दी को बताते हैं कि पहले जो फेशियल मांसपेशी का जो पैरालिसिस होता है तो हवा भर के हम उसको ऐसे डायग्नोसिस करते हैं, जबान निकाल के जबान एक बाजू और डाइवर्ट हो जाती है, आँख भी जब भी सो जाता है तो आँख आधी खुली रहता है, कहीं के आईलेट ड्रॉप हो जाता है, कई बार दर्दी को डबल विजन दिखता है, कई बार स्वेलिंग आ जाता है और दर्दी का पाचन वीक हो जाता है, दर्दी सो नहीं पाता है और हाथ ध्रुसता है धीरे धीरे, मुंह में से पानी निकलता है, आँख में से वाटर डिस्चार्ज जाता है, आँख भी कई बार रेडिशनेस हो जाता है, ऐसे तरह सिम्टम धीरे धीरे हो जाता है। आधुनिक साइंस इसके लिए कैसे डायग्नोसिस करता है, तो आधुनिक साइंस में एक तो बार बार उसको नर्वस रिफ्लेक्ट करते हैं और कई बार उनको MRI करते हैं दर्दी को, कई बार उसको CT स्कैन करते हैं, कई बार हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है उसको भी सर्जिकल से रिमूव करते हैं,
तो कई हद तक जो एसाइटेकोला इनका कंट्रोल होता है, तो ये जो ध्रुसना और हमारा आईलिड जो ड्रॉप हो जाना, ये धीरे कम हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या ऑटो इम्यून डिजीज में मैंने आगे बताया कि हमारे खुद की जो मांसपेशी है, हमारा खुद का शरीर की मांसपेशी को डिस्ट्रक्शन करता है। अभी तक उसका कोई कॉज बताया नहीं गया है, पर ज़्यादातर ये ऑटो इम्यून डिजीज में ऐसे तरह डिजीज होता है। तो ऐसे तरह आधुनिक साइंस उसका डायग्नोसिस करता है। आपको क्या करने का है, तो ऐसे जो व्यक्ति होता है उसको होम मेडिसिन में बताता हूँ। तो सबसे पहले उनको गाजर का जूस दो, गाजर मीन कैरेट जूस, 3 महीने तक सुबह शाम लेने से उसका जो विटामिन ए डेफिशिएंसी बढ़ता है। उसको स्प्राउटेड सीरियल दो, इसमें B12 होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये भी एनहेंस करता है। विटामिन ई के लिए उसको फ्लैक्सीड आता है, जिसको अलसी बोलता है, ये अलसी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अलसी आधा चम्मच सुबह शाम देना चाहिए। दर्दी को जो डबल विजन आता है, आईलिड्स में कंट्रोल नहीं आता है, मांसपेशी में शक्ति प्रदान नहीं होता है, तो ऐसे तरह ये जो 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 आप एक्स्ट्रा फूड आप लोगे तो ये कंट्रोल कर सकता है। कई बार ये आप ज़्यादातर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और एक्सट्रीम वेदर होता है, कई बार आपको हॉट वेदर हो या कई बार आपको रेनी एक्सेस रेनी जब एक्सट्रीम वेदर होता है, तब ये मायसिनिया ग्रेविस के पेशेंट को और सिम्टम बढ़ जाता है, स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। बस मायसिनिया ग्रेविस में आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आप एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारा जो बड़े जो हीरो है, जो हम मैं सैल्यूट करता हूँ, यही उम्र में भी ये एक्टिव है, हमारे जो बच्चन साहब हैं, उनको भी 1982 में जब कुली का कुछ पिक्चराइज करते थे तब उनको पेट में लग गया था, तब भी उनको सेकेंडरी डायग्नोसिस मायस्थेनिया ग्रेविस बताया गया था, पर उन्होंने खुद मेडिसिन, खुद डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, और उन्होंने खुद को डिप्रेस नहीं किया, काम नहीं छोड़ा, काम को साथ उन्होंने ये सब रोगों के साथ भी उन्होंने किया। तो अभी भी हमको इतनी साल में भी ये एक्टिव लगते हैं, उन्होंने खुद रोगों को हराया है। ऐसे तरह ऐसे रोगों में डिप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग उनके चेंज ऑफ लाइफस्टाइल करते हैं, स्ट्रेस लेवल कम करते हैं, आप खुद मेडिकेशन करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो आप खुद इसमें से बाहर आ सकते हैं। तो मित्रों, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आप जो होम्योपैथिक दवा लेते हैं, मैं थोड़ा होम्योपैथिक दवा के बारे में बताता हूँ। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसके लिए उसका दर्दी का इंडिविजुअल हिस्ट्री मिलता है, इसमें एक ही दवा काम करता नहीं है, ये इंडिविजुअल है, टोटालिटी ऑफ सिम्टम लेना पड़ता है। दर्दी को पास हिस्ट्री, प्रेजेंट सिम्टम्स, दर्दी की फैमिली हिस्ट्री, दर्दी का क्या दवा चलता है, और सब लेके हम टोटालिटी ऑफ सिम्टम करते हैं। कई रेपर्टरी में से पेशेंट को इसमें से फिल्टर करते हैं, हमारे जो होम्योपैथिक में कैंट रेपर्टरी है, गार्नर रेपर्टरी है, डॉक्टर रोबिनसन्स रेपर्टरी है, ऐसे तरह हम अलग अलग रेपर्टरी से पेशेंट को फिल्टर करते हैं और दवा करते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ में कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होती है। कई बार तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन दवा देने से पेशेंट को 30-50% से 70% हम ठीक कर सकते हैं। कई बार विटामिन डेफिशिएंसी होता है, तो मैंने बताया कि जो B12 के डेफिशिएंसी हो तो स्प्राउटेड सीरियल लो, या ओमेगा 6 के लिए आप जो हमने फ्लैक्सीड बताया, तो ऐसे आप ऐड करोगे तो आपका जो 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 रोग है जो ये कंट्रोल कर सकता है, और मायस्थेनिया ग्रेविस को आप हरा सकते हैं। मित्रों, होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है, मैं आपको 5 मेडिसिन का बताता हूँ। सबसे पहले कॉस्टिकम इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। शुरुआत के तबके में आप टोप्टोसिस, जिसको प्टोसिस बोलते हैं, जैसे आईलिड हमारा ड्रॉप हो जाता है, तो इसमें ये काम करता है। दर्दी को ट्रैमर होता है, बोलने में वीकनेस होता है, खाने में डिल्यूजन लगे, डिप्रेशन लगे, एंग्जाइटी लगे, तब आपको कॉस्टिकम दवा देना चाहिए। मैं इसमें कोई पोटेंसी का नहीं देता हूँ, क्योंकि पेशेंट का सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ में सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी होता है, ये डिपेंडेबल ऑफ फिजिशियन एंड एक्सपीरियंस पर काम करता है। मित्रों, ये सामान्य रोग नहीं है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे रोगों में कोई नज़दीक के होम्योपैथ के पास जाके, या हमारा जो हमारे पास आके जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो मैंने बताया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे आपका रिपोर्ट भेजिए, बाद में हमारे साथ डिस्कस कीजिए और हमारा ट्रीटमेंट लीजिए, तो ही हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मित्रों, सेकंड नंबर की दवा जिलसेमियम है। जो दवा का प्रभाव आँखों में होता है, गले में होता है, कई बार स्पीच में डिफ़िकल्टी होता है,
तो ये जो दवा दर्दी को डबल विजन होता है, डिप्रेशन लगता है, एंग्जाइटी लगता है, नींद नहीं आता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, दर्दी को भूख नहीं लगता है, वेट लॉस होता है, मसल वेस्टिंग्स होता है, मसल्स में स्पाजम्स आता है, फेसिकुलेशन आता है। जब ऐसे प्राइमरी सिम्टम लगे तो जेलसेमियम इज़ वर्क वेल, तो आपको दर्दी को जेलसेमियम लेना चाहिए। मित्रों थर्ड नंबर की दवा है कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम दवा है, असेंडिंग पैरालिसिस में काम करता है। तो जब से एक्यूट एक जात का पैरालिसिस ही है, जैसे सिम्टम आता है, आँख के जो अपर लीड है ड्रॉप होता है, ट्रोप्सोसिस होता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, दर्दी को स्पीच अच्छा नहीं होता है, ट्रेमरिंग हाथ रहता है, दर्दी को स्लो मूवमेंट्स हो जाता है, और ये यंग होता हुआ भी ओल्डर लगता है पेशेंट, उनकी जो फेस की जो चमड़ी एक बाजू की वो लबड़ जाती है, आँख रेडनेस होता है, हेयर फॉलिंग्स होता है, नींद नहीं आता है, वीकनेस हो जाता है, दर्दी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, यूरिनल निकालने में प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रॉब्लम्स आपको लगे तो कोनियम मैक्यूलेटम इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, आपको कोनियम मैक्यूलेटम ट्राई करना चाहिए। मित्रों कई बार पैरालिसिस कंडीशन में भी दर्दी को ये प्रॉब्लम सेकेंडरी डिजीज हो जाता है, तो इसमें प्लम्बम मेटालिकम इज़ अ गुड वर्क, तो प्लम्बम मेटालिकम होम्योपैथिक में लेना चाहिए। इसके साथ प्लम्बम के साथ दर्दी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो या यूरिनरी ट्रैक का प्रॉब्लम है तो ये दवा बहुत अद्भुत काम करता है। मित्रों कई बार कालीफॉस इज ऑल्सो नर्वाइन टॉनिक होम्योपैथिक में, तो आप कालीफॉस भी ले सकते हो जिनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और बहुत स्ट्रेस में काम करना पड़ता है और बाद में ऐसे डिजीज़ में कन्वर्ट हो गया हो। कई बार हाई पोस्ट में लोग होते हैं और स्ट्रेस के जरिए उनको धीरे 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 प्रोग्रेसिव मायस्थेनिया ग्रेविस लगता है, और जो लोग यंग है उन लोगों को ये दवा हमारा ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और जो ब्रेन का फंक्शन है प्रॉपर कर सकता है, और जो ब्रेन का जो हॉर्मोन्स है एसिटाकोलाइन जो हॉर्मोन्स है उसको इम्बैलेंस नहीं करेगा और हमारा शरीर में एक ठीक तरह उसका प्रभाव रहेगा, तो दर्दी ऐसे रोग में पीड़ित नहीं होगा। मित्रों मेरा एक वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।